Assalamualaikum guys and welcome back you all to my another vlog. और आज आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। आज इतने अच्छे बाद जो है वो बारिश जो है वो होने लगी है, हो गई है अभी तक। सो अभी जो है वो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 8 बजे में लगे, ठीक है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी चलती हूँ और फिर यूनिवर्सिटी में जाकर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आपको प्यारा सा मौसम दिखाते हैं। तो जी गाइस, इस वक्त जो है वो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठीक है, और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। और अल्लाह करे कि मुझे गाड़ी मिल जाए बारिश की वजह से, मैं भी मसला हो। और क्लास जो है वो मेरी 9 बजे थी, सो मुझे काफ़ी लेट हो गया है। तो जी गाइस, इस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और मैं यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेके आ चुकी हूँ। वैसे शमशाबाद में ना हमारे एरिया से ज़्यादा बारिश हो रही है, सो अभी मैं जो है वो क्लास में चलती हूँ। तो फिर क्लास के बाद हम मौसम इंजॉय करते हैं। तो जी गाइस, हमारी क्लास हो चुकी है। अच्छा, नहीं ले रही ना, असल में मेरे दोस्त कह रही है कि हम इस वक्त ना इतने बुरे आ रहे हैं कैमरे में कि लोग हमें हमारे चैनल को रिपोर्ट कर देंगे। कह रही हम एक्सपोज हो गए ना, इतनी ब्यूटी जो है वो उबर उबर के बाहर आ रही है। तो अभी जो है वो क्लास हमने ले ली है और सर जो है वो आज क्लास नहीं ले रहे, और एक कंप्यूटर की मैम है उनकी क्लास हम नहीं लेंगे, खुद ही नहीं लेंगे। और बस अभी मैं और निमरा जो है वो मौसम इंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सोच रही हैं कि आज कुछ देसी खाते हैं, तो शायद हम बट कढ़ाई खाने के लिए जाएं। आज हमें आना पड़ा मजबूरन स्टूडेंट्स वाले वॉशरूम में, क्योंकि फैकल्टी वाले वॉशरूम में मैम ने हमें सख्ती से मना कर दिया था कि अब आपने यहाँ पे नहीं आना। और इस वॉशरूम का बहुत गंदा हाल है गाइस। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम वापस उधर ही जाएं। हम घर से अपना एक अंदर शीशा ले आएंगे, ठीक है, और हम उसके अंदर शीशा समझते हैं, अगर आप बर्गर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ मिरर, ठीक है। तो हम मिरर ले आएंगे और उसी में बैठ उसको देख के ना क्लास में बैठ के तो हम गंगा शंगा कर लेंगे। और अभी जो है वो हम लोग निमरा कहाँ जा रहे हैं, हाँ, तो आज हम जा रहे हैं बच कड़ाही, लेकिन इतने जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 11:30 हो रहे हैं, तो 12:30 तक चलते हैं पहले। तो आज कुछ देसी खा कर देखते हैं और मैं जाने की हिम्मत मेरी नहीं है, सॉरी गाइस। A few moments later. तो जी गाइस, निमरा मुझे ज़बरदस्ती जो है वो मेन कैंपस लेके आ गई है और वो चाहती है कि मैं मज़ीद मोटी हो जाऊँ, तो वो मुझे समोसा खिलाना चाह रही है। गाइस, मेरे दोस्त को समोसा नहीं मिले तो उसने मुझे गोलगप्पे और फ्राइज़ खिलाई हैं, तो उसका कहना है कि गोलगप्पों से वेट गेन नहीं होता, तो इस वजह से उसने मुझे गोलगप्पे खिलाए। और खुद तो आज बहुत मैली कुचैली बन के आई है, इसलिए उसको व्लॉग में नहीं दिखा रही। तो इस वजह से गाइस, अगर आप इसको देख लें इस हालत में कितनी मैली कुचैली है, वो तो फिर जो है वो आप मेरा चैनल रिपोर्ट कर दें, तो इस वजह से जो है इसको नहीं व्लॉग बुला रही। पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो। नहीं पकड़ी तेरे सामने, दिया दिया, नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा, ले ले वो लोग देंगे, दानियाल भी का अलग ही ले दो। ऐसे और मेरी सहेली जो है वो जा रही है बट कढ़ाई टेस्ट करने, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम इससे पहले हमने इस तरह का देसी खाना बहुत कम खाते हैं, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है मैं ट्रिप पर गई थी, मैंने कढ़ाई जो है वो खाई थी। तो देखते हैं कि फास्ट फूड के बाद से देसी फूड मज़ा देता है कि नहीं देता। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं बट हम
हेलो जी गाइस, इस वक्त मैं और मेरी 2 रुपीज़ सहेली, ठीक है, 2 रुपीज़ 1 रुपीज़। तो हम दोनों इस वक्त बैठे हुए बच कर आई, ठीक है, और आते ही हम लोगों को ऐसे शौक लग गया जब उन्होंने हमें प्राइसेस बताई। तो हम तो KFC सस्ते में खा लेते थे। KFC अगर आपको लगता सस्ता है तो आपको मैं चपेटे लगाऊंगी ना इधर। यार इनसे सस्ता ही है, ठीक है यार, इन्होंने ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। बिल्कुल, और मेरे दोस्त आज कैमरे के पीछे से बातें करी है क्योंकि वो मैली कुचैली बन के आएंगे, तो काफी देर से वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारी कढ़ाई आई नहीं है, ठीक है। हर तरह से ब्लॉग को जो है वो शूट कर चुके हैं, मगर मतलब 2 रुपीज़ पिक्चर्स भी बना चुके हैं, मगर खाना नहीं आ रहा, खांसी लगी है, चुप कर रहे हैं। और बाकी मैं आपको बताती हूँ गाइस कि यहाँ पे इनका कोई सिस्टम भी अंदर से कुछ खास नहीं है, बिल्कुल इंटीरियर बिल्कुल भी मजे का नहीं है, बिल्कुल भी मजे का नहीं है। ये पुराने जमाने के इन्होंने जी नीले पीले पेंट लगाए हुए, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक एस्थेटिक चीज़ है और वो लिखा हुआ है आपकी तशरीफ आ गई, तो शुक्रिया। तो जी गाइस, आज हमारा बर्थडे चल रहा है, ठीक है। पहले जो कढ़ाई आई है उसके अंदर जो चिकन थी वो आई थिंक पुरानी थी। वो निमरा ने जैसे ही चिकन को खोला तो बहुत गंदी वाली स्मेल आई, तो अब वो हमें चेंज करा कर देंगे, और अब हमें आधा घंटा और वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें थका दिया उन्होंने आज, तो हम आधा घंटा और वेट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए नई कढ़ाई बनेगी, तो फिर हम वो खाएँगे। पहले वाली में तो उन्होंने हमें मरी हुई मुर्गी दे दी थी गाइस, टू स्मेली, हमने हाथ भी जाके साबुन लगा कर धोए तो वो स्मेल गई है, इतना चूना लगा। तो जी गाइस, सामने जो है वो दूसरी वाली जो कढ़ाई आई वो खाई, वो बहुत मज़े की थी, ठीक है, हमें बहुत मज़ा आया, और बहुत मुश्किल से हमने ख़त्म किया, ठीक है। निमरा तो कह रही थी 2 नान कहाँ पूरे होने हैं, अभी और भी होने चाहिए, और 2 में से भी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 में से निमरा ने अभी तक ये रोटी छोड़ी हुई है, ठीक है। सो वही मंगवाए थे टोटल, और निमरा मैडम जो हैं उनको अपने पेट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बाकी जो है ओवरऑल कढ़ाई टेस्टी थी कि दोबारा आई, ठीक है, पहले वाली गंदी थी, हाँ बिल्कुल सच बोलेंगे। और अब हमारे पास बिल नहीं है, तो मेरा निमरा भाग गया यहाँ से, तो अगर रास्ते में उन्हें पकड़ लिया तो बर्तन धो लेंगे। चुप करो। तो जी गाइस, हम बट कढ़ाई से आ चुके हैं, ठीक है, और हमारी हालत बहुत टाइट हो रही है, ठीक है। मतलब हम, मेरे और निमरा ने ये डिसाइड किया कि हमें नहीं खाना देसी फूड, हम बगैर देसी के, ठीक है, और बाकी वो जो कढ़ाई जी, और बाकी वो जो कढ़ाई वाला सीन हुआ, ठीक है, पहले ख़राब थी, और फिर हम, मगर उनकी अच्छी बात यह कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, ठीक है, और उन्होंने हमें दोबारा चेंज करके कढ़ाई, रोला डाल दी, तो मेरी दोस्त मारिया जो है ना 2 रुपीज़ खा जाती खराब कढ़ाई। बिल्कुल, निमरा कह रही है मैंने रोला डाला था तभी उन्होंने, बिल्कुल मैंने भी उसको बता दिया, इस वे खा रही थी वो कढ़ाई, तो मैंने उसको याद कराया मारिया, इसको स्मेल आ रही है। मतलब जो भी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो आप ना आए बट कढ़ाई है, कोई बैड रिव्यूज हम नहीं देंगे, हो जाती है गलती इंसान से, ठीक है, हमारे भी इंसान तो है नहीं, चुप करो तुम। तो फिर जो है अभी हम लोगों को शायद सर स्टैट्स के जो है वो मार्क्स दिखाएं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के भी मिड्स आने लगे, लेकिन हमें पिछले सेमेस्टर का अभी मार्क्स पता चल नहीं, सो अभी हम वेट करते हैं, और अगर सर ने दिखा दी तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाएँ। सो गाइस, हमें मार्क्स पता चल गए, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ना पता चलता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मूड सारा ख़राब हो चुका है, हमारी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। सर ने पेपर बिल्कुल अच्छे चेक नहीं किए, ठीक है। मिड्स ने जो है मेरे सेकंड हाईएस्ट पे, इस वक्त मैं बॉटम से टॉप कर रही हूँ गाइस फाइनल से। सो कोई बात नहीं, चलता रहता है, बस नंबर कौन सा नंबर हमने कवर में लेकर जाने और डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इसी मोटिवेशन के साथ गाइस मैं घर जा रही हूँ, और अगर हिम्मत बाकी रही तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो जी गाइस, कल जो है वो मैं यूनिवर्सिटी से आई, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया, क्योंकि सुबह 5:30 की उठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो मैं आके सो गई। फिर उसके बाद मैं ऐसी सोई हूँ कि मैं नेक्स्ट सुबह उठी हूँ और मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ दोबारा, और अभी मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, तो फिर मैं ब्लॉग का एंड रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि निमरा भी नहीं आई थी और क्लास भी एक ही थी, तो बस मैंने क्लास ली और मैं घर आ गई, तो इसलिए ब्लॉग के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या बनाती। सो ये कल वाले ब्लॉग का हम एंड कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, अप्रिशिएट करने से ना बंदा और एफर्ट लगा के काम करता है, सो लाइक कर दिया करें वीडियोस को, और अगर देख लेते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो फिर अब मिलते हैं मंडे वाले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज़।